गाइस मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियो सर्च किया कि गोल्बनाइज शीट को कैसे वेल्ड किया था, ठीक है गाइस, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला सही से ढंग से जो कि पूरा प्रॉपर बताए कि हाँ कितना का क्या प्रोग्राम लगता है, कितना क्या लगता है। मैं आज वो सब बताने वाला हूँ आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पे मेरे से अब्दुल सलाम ब्लॉग पे कि लेज़र वेल्डिंग मशीन से गोल्बनाइज ट्यूब को कैसे वेल्ड किया जाता है, मैं सब बताऊँगा आप लोगों को। आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा मेरे अब्दुल सलाम ब्लॉग पे, काफ़ी गाइस शोर हो रहा है मैं पे, लेकिन मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला जो कि एग्जैक्टली बताए कि वेल्ड कैसे होता है और क्या क्या वायर लगता है, क्या क्या इसका सेटिंग है, कोई नहीं बताता है। मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में सब बताऊंगा, इस वीडियो में सब बताऊंगा। मैं फटाफट चलता हूँ वेल्डिंग करने के लिए ट्यूब को और फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. कैसा बिल्ड होगा पूरा मैं आप लोगों को सोच दिखाता हूँ, देख सकते हो। ये सब मैंने बिल्ड किया है अभी और आप लोगों को मैं सेटिंग दिखाऊंगा अभी, ठीक है, आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। बहुत मुश्किल होता था सुबह में करता था गन, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो गाइस ये रहा मेरा गन और आप लोग देख सकते हो नोजल कौन सा है और वायर 1.5 का 1.2 का वायर है ये और ब्लैक स्टील का वायर है और ये नोजल है मेरा, आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैं जाता हूँ वायर फीडर की तरफ। ये है मेरा वायर फीडर और वायर फीडर ये सब चाइना का है, आप लोग नहीं समझ पाओगे, ये सब देख सकते हो पूरा प्रोग्राम। 6 पे है वायर और इसका वायरिंग ये अंदर का कंट्रोलर है और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी इधर का सिस्टम कितना पे मैं गोल्बनाइज शीट को वेल्ड करता हूँ। आप लोग एक बार में पूरा देख लीजिए, पावर 80 है, फ्रीक्वेंसी 3000 है और रिसाइकिल डेली का 100 है और वेल्डिंग 4 mm का है। 4 mm मैंने इसलिए किया है, वो 3 mm क्या बोलते हैं वो 3 इंच का है, 3 mm का वो ट्यूब है, लेकिन मैंने 4 mm की इसलिए किया कि अच्छे से मेल्ट करके उसको मजबूती से पकड़े, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को भी मैंने 4 किया है क्योंकि ऐसे 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 अच्छे से आएगा। और ये मूड वर्क ये है और गैस का आप लोग देख सकते हो और ये डेली का देख सकते हो, एडवांसेस का देख सकते हो और इधर भी आप लोग देख सकते हो लेज़र का पॉइंटर कंट्रोलर और इसके अंदर बस इतना ही है। और आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ गैस कंट्रोलर, 200 मैक्सिमम रहना चाहिए, ये अभी 200 ही है, मैं अभी ये दिखा रहा है 200 पर दिखा रहा है अभी। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसके अंदर का भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर गैस बहुत शोर हो रहा है, ये मेरा चाइना का मशीन है ETO का, ये आप लोग देख सकते हो, आप लोग सर्च मार के देखिएगा इस कंपनी का मशीन आएगा बहुत सारा। तो गाइस आज के लिए इतना ही है ना कि जो भी गोल्बनाइज शीट को ट्यूब को वेल्ड करना होता है या गोल्बनाइज कोई भी चीज़ को वेल्ड करना होता है ना लेज़र वेल्डिंग से, तो सबसे पहले उसको थोड़ा ग्राइंडिंग करना चाहिए। ये जो है ग्राइंडिंग व्हील है इसका, ये बहुत अच्छा होता है ग्राइंडिंग के लिए, बर नहीं निकलता है। और अच्छे से ग्राइंडिंग करने के बाद उस पर क्या बोलते हैं वेल्डिंग करोगे ना लेज़र वेल्डिंग से तो बहुत अच्छा आएगा, बशर्ते आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से मालूम होना चाहिए। प्रोग्रामिंग भी मैं आप लोगों को डिस्प्ले में दिखा दिया हूँ किस तरह का क्या है, जो सीट रहेगा उस तरह का MM डालोगे, ट्यूब रहेगा उस तरह का MM डालोगे और वायर फीडर का स्लो में रखना है, ज़्यादा फास्ट नहीं, 6-7 हाइएस्ट हो गया, 6-5 ऐसे कुछ रहना चाहिए। और इसमें सबसे बेस्ट वेल्डिंग होता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग देख सकते हो अभी मैं वर्कशॉप में ही बैठा हूँ, इधर मेरा वेल्डिंग मशीन लेज़र का इधर है रखा हुआ और इधर मेरा गन है
इधर रखा हुआ है और मैं कंपनी में ही अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे। ठीक है गाइस,